शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। तीन लोगों से बचने का प्रयास करना, लालची, आलसी और दोगले। जो आलस में डूबा रहता है ना, वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो आलस में डूबा रहता है वो स्वयं भी भजन नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो लालच में डूबा होगा वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ने की बात ही करेगा। और कितना भी धन मिल जाए, कितना भी, शिव महापुराण की कथा कहती है जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है। तीन तरह का धन पचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है तीन जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। तीन जगह का धन पचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। तीन जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से पचता है, धीरे धीरे पचाना पड़ता है और इसको अगर पचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी यह मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर पचाना भारी पड़ जाता है, इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो,
हमें हमारे भाग्य का देव भोलेनाथ जी से काम है, दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन, कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज़्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी पच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी पचा सकते हैं। तीन जगह का धन पचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी पचाना बड़ा कठिन है, कहीं से आएगा कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे, बड़ा कठिन है हमारा, बड़ा। थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरु जी आप बोल रहे हो नानी के घर का धन तो नाती पंथी के लिए होता है, होता है मना नहीं है, पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर झगड़ कर लड़ कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ, नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो, तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज़्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करो। पचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खा कर आए हैं उसका पच पाए। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते, और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे, यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई हैं, लता जी उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी हैं सीमा जी उनसे पूछिए, क्या गुरु जी इनसे मिले? आज 3 दिन हो गए आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो, क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन, और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ, क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा, तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता। भजन के बल को बढ़ा, किसी भंडारे में से भोजन कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना, अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है, तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम, अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे। कैसा भी करो पर करो। बहुत कठिन में पछता है हम, बहुत कठिन। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है,
शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को, देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया था देवऋषि नारद को, नारद जी से भी भगवान शंकर ने कह दिया था, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर इतना याद रखना ये किसी के पास जाकर मत बोलना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। पर नारद जी नहीं माने, अपने अहम में डूबे थे देवऋषि नारद, अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। और देवऋषि नारद ने भगवान नारायण के पास जाकर कहा, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव पर शंकर भगवान विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त करी है। भगवान विष्णु के नेत्र से जल बह गया, जिस शंकर की आराधना मैं करता हूं, उस शंकर की निंदा आज देवऋषि नारद के मुख से सुन रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशु की योनि मिलती है, इन दोनों को पशु का मुख मिलता है। और हुआ, देवऋषि नारद जी ने भगवान शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। हाय ग्रीव अवतार, कोई निंदा कर रहा है शंकर जी की। और एक और बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव खुद की निंदा सहन कर लेते हैं, शंकर खुद का अपमान सहन कर लेते हैं, पर शंकर अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसका जवाब तो मेरा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है, थोड़ा देरी से देता है, पर देता जरूर है। शिव खुद के अपमान का जवाब भले ना देंगे, शंकर अपना अपमान सहन कर लेंगे। शिव अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसका जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। समय आता है, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। प्रयास करिए। देवऋषि नारद को समझाया, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, पर यह बात मत बोलना। नारद मानने को कहाँ तैयार, उन्होंने जाकर बोल दिया भगवान विष्णु को कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता, शंकर भगवान में इतना बल नहीं था जितना बल मुझ में था। तुम कितने बड़े विज्ञानी बन जाओ, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है। अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो, तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है, और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो,
तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, मेरा निवेदन है जी जियो, मेरे जी जाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं एक महीने से मंदिर जा रही हूँ, कि मैं चार महीने से जा रही हूँ, कि मैं छह महीने से जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही हूँ। भगवान देवाधि देव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पेरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता, तो लोग पलंग पर पड़े देते, कौन तेरे मंदिर पर आता। भोलेनाथ जी से कहते रहना, बाबा इतनी कृपा बना कर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। पलंग पर मत पटकना, जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहनाए, ऐसी अधीनता मत देना, हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग मैं खुद करूं, चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो, और अगर भगवान ने तुम्हें फोर व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तुम भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी चार लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा कर कथा सुनाने के लिए लेकर जाऊं, ऐसी कृपा, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया तू करना, ऐसी कृपा। बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट बोल करने में, छल बेईमानी में काम में आए, तो क्या मतलब, क्या मतलब? शिव की भक्ति में मन लग जाए, शिव की आराधना। और किस्मत वाले हो, परतवाड़ा वाले हो, अभी अभी कथा 6 तारीख से चालू हुई है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलती है, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। आज कौन सी तारीख हो गई, कितने दिन की कथा और बची है, 4 दिन, 12 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख से कुरुत छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। ये 12 तारीख को विराम होगी और 16 मई से छत्तीसगढ़ कुरुत में कथा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे। उस कथा का नाम हमने दिया गौरी शंकर शिवपुराण। वहां प्रारंभ, मिले मौका अपने नजदीक में भगवान से कहना ये शरीर ऐसा बनाकर रखना तेरी कथा में पहुंचता रहे। एक पत्र है, अत्र थोड़ा लंबा ज्यादा है पर अच्छा है। योगिता शिवलाल सोजारे मुकाम बागदोह शहनूर पोस्ट पत्थरोट तहसील अचलपुर जिला अमरावती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता शिवलाल सोजारे मुकाम बागडोह शहानूर पथरोट तहसील अचलपुर जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, अच्छा दिख गए हो, श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, नौकरी भी नहीं और शादी भी नहीं हो रही थी। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं, मुझे थायराइड की गठान भी है, मेरा शरीर अचानक से चमड़ी सफ़ेद होना प्रारंभ हो गई और
बड़ी तकलीफ में आ गया। शरीर में तकलीफ रहती, गठान अलग हो गई और चमड़ी भी सफ़ेद होने लगी। आपकी कथा मैंने मोबाइल पर सुनी और उसमें सुना कि भगवान के मंदिर में सफाई करने से शरीर का रोग ठीक होता है। मेरे नज़दीक में शिव जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी भी हैं। मैं मंदिर में जाती झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे शरीर का जो थायराइड की गठान थी वो भी गल गई और मेरा चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई गुरुदेव। पर वहाँ के किसी लोगों ने मंदिर के पंडित जी से कह दिया कि यहाँ पर एक महिला आती है और झाड़ू पोछा करती है, तो पंडित जी ने ताला लगा दिया और चाबी खुद रख ली। अब मुझे झाड़ू नहीं लगाने देते, पोछा नहीं लगाने देते। तब मैंने पंडित जी से निवेदन करा, पंडित जी मैंने सीओर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू पोछा करने से, सफाई करने से शरीर का रोग समाप्त होता है। पंडित जी मेरा थायराइड की गठान गल गई है और मेरे शरीर की जो सफ़ेद चमड़ी थी वो भी अपने असली रंग में आना चालू हो गई है, मुझे मंदिर में झाड़ू पोछा करने दो। तब पंडित जी नहीं माने। फिर मैंने निवेदन करा, बार बार विनती करी, तब गांव के लोगों ने भी उनसे निवेदन करा, तब पंडित जी ने चाबी देना प्रारंभ करी और मैंने झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ क्योंकि बाबा की कृपा से मेरी थायराइड की गठाने गल गई और मेरी जो चमड़ी सफ़ेद हो रही थी अब धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने मुझे ठीक करा, मैं बाबा को साधुवाद देती हूँ। आ जाओ बेटा। ठीक है बेटा। बता रही हैं, जॉब के लिए कर रही थी वो भी बाबा ने सुन लिया, और शादी नहीं हो रही थी वो भी बाबा ने सुन ली, और शरीर में जो रोग था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही शिव तत्व सम। अब निवेदन कर रही है, अब बस बाबा से प्रार्थना है मैं भी एक बार कथा करवा लूं। बाबा कराए संभव संभव। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,